हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से माने आरएफ के लिए सोच रही थी कि कुछ हेल्दी अगर मुझे उसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग ब्रेकफास्ट में कुछ मिल जाए। तो जैसे आरएफ को नूडल्स बहुत पसंद है, तो नूडल्स में क्या होता है ना, मैदा यूज़ होता है, तो वो मैं नहीं आरएफ को देना चाहती थी, इसलिए मैं नूडल्स को पहले अवॉइड किया करती थी। फिर सडनली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी कि नहीं रेखा, अब मार्केट में बहुत अच्छी नूडल्स आ गई है जो मिल्ट से बनी हुई होती है और वो हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सच में फ्रेंड्स, जब से मैंने फिर उस नूडल्स को ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और रियली इसमें मिल्ट का है, नो मैदा, नो ऑयल, नो आर्टिफिशियल कुछ भी केमिकल यूज़ हुआ हुआ है, तो मुझे आरएफ के लिए वो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए मैं आज उससे आपको मिलाती हूँ कि कौन सी नूडल्स मैंने ट्राई की आरएफ के लिए, और मैं चाहूँगी आप सब भी अपने बच्चों के लिए वो नूडल्स ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्लो फार्म कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके नूडल्स बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, ये नूडल्स आपको दो वेराइटीज़ में मिल जाती है, और फ्रेंड्स ये मेड बाय टू मॉम की तरफ से बनी हुई है। और आपको पता है इसके अंदर मिल्ट होता है जो हमारे दादी परदादी नानी लोग के ज़माने से बना हुआ होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये रियल फूड से बनी हुई है, इसके अंदर ना मैदा होता है, ना रिफाइंड शुगर होता है, ना सॉल्ट होता है, नो प्रिजर्वेशन होता है, और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर भी नहीं यूज़ होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी वेबसाइट www.slowfarm.com में जाके वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका कूपन कोड आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके 20% डिस्काउंट में इसको इजीली ले सकते हो। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूं कि ये कैसे हम लोग इजीली इसको फटाक से बना सकते हैं और टेस्टी और यम्मी नूडल्स हमारी बनकर रेडी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी में 1 मिनट के लिए नूडल्स को बॉयल कर लेंगे, तो हमारी नूडल्स बॉयल हो जाएगी। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसको हमें फ्राई कर लेना है 1 to 2 मिनट के लिए। फिर इस नूडल्स के साथ में एक छोटा सा मसाले का पैकेट आता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और मसाले का टेस्ट आ जाता है। तो उसको भी हम लोग मिला लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमने नूडल्स साइड में करके रखी थी गर्म कर गई हुई, वो नूडल्स को भी हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर से हम लोग अगेन 1 to 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी झटपट से 3 मिनट के अंदर नूडल्स बनकर रेडी हो जाएगी, और ये खाने में इतनी टेस्टी थी ना, इसका फ्लेवर भी माने बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी था। मैं आपको दिखाती हूँ कि आरव ने किस तरीके से मज़े ले लेके इसको खाया है, और बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये नूडल्स बहुत अच्छी लगी, आरफ को भी बहुत अच्छी लगी। आप सब भी अपने बच्चों को दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्दी नूडल्स है। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखा आरफ कितने इंजॉय करके ये नूडल्स खा रहे हैं। मैंने भी खाया, मैंने मम्मी पापा को भी टेस्ट कराया, हम सबको बहुत ही यम्मी और बहुत हेल्दी लगा नूडल्स यहाँ का, है ना डुगू?